अश्विन, आई थिंक तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। बात कर लेनी चाहिए? अरे घंटा बात कर लेनी चाहिए यार। उस साला जब तक सॉरी नहीं बोलता ना, मैं उसको मुंह तक नहीं देखूंगा उसका। मैं अपने दोस्त पे हाथ उठाया, उसने गुस्सा आता है तो किसी को भी मार देगा क्या? Listen, I really think he's misunderstood something. You guys should talk it out. बाहर में जाए यार, नहीं पड़ता मुझे फर्क, नहीं करनी मुझे बात यार। शकल नहीं देखूंगा उसकी आज के बाद। परवा बेहिसाब सी, बिल्कुल खुली किताब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, देखा कभी जो ख्वाब था उतनी ही लाजवाब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, हर पल हर लम्हा ये है जो आफताब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, तारों के साथ साथ जो आए रातों में चांद सी, ऐसी ये यारी है अपनी, ओ यारा मेरे, ये हवा है पूछती है खुशियों का हमसे पता, हम तो अपनी धुन में गुम, हमको दुनिया का क्या पता, हाथ रखा दिल पे जो तो धड़कनों ने कहा, छूटे जग सारा पर न छूटे कभी ये यारियां। तुझसे बात करने नहीं आया हूं मैं, क्लास अटेंड करनी है। तो करना, एटीट्यूड क्या दिखा रहे? देखो कहाँ गए हैं, देखो कहाँ गए हम, अनजाने से रास्ते, अनजाने लगते ये मौसम, हम पूछो ना गम, पूछो ना हालत मेरी, क्या हो गई मुझको, अब तू और सताना नहीं, अब के जाओ तो फिर आना तुम ऐसे यहाँ पे सड़ते रहो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। मैं अभी आया। हाय, कितना इरिटेटिंग हो गया ना यार ये। आई नो, लुक एट देम, और दोनों इतनी जिद्दी है यार, कैसे समझाऊं? आंटी, दो मैगी। क्या है, घूर क्या रहा है? कौन घूर रहा है? तू घूर रहा है और कौन घूर रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को लड़ना होता है क्या? हमेशा समझ नहीं आती तेरे को? तमीज मना, प्लीज मना, मैंने तुमको बोला था वैसे टॉक, तुम लड़ क्यों रहे हो?
सुनाओ यार, तुम तमीज में रहा करो। मनन मनन प्लीज, चलो यहाँ से चलते हैं। मनन लेट्स गो, चल यहाँ से। पिछले बार की मार भूला क्या बोला मेरे से? यशी, यशी सुनो यार प्लीज। क्या सुनूं मैं? पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, कॉलेज के सीनियर्स होके ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। अरे सुनो यार, आई विल नॉट रिएक्ट एनीमोर। वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आई विल नॉट रिएक्ट एंड आई प्रॉमिस। मनन, दैट्स नॉट द पॉइंट। यशी लिसन यार, यार जानवी एक बात बता, हम दोनों की लड़ाई है, तू क्यों स्ट्रेस ले रही है इतना? क्योंकि तुम दोनों ना हम दोनों को भी बहुत स्ट्रेस दे रहे हो यार, काफी इरिटेटिंग हो गया सब कुछ। And the whole college knows that you guys are best friend. चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? सॉल्व क्यों नहीं करते? Just don't talk to me, please. अरे यार जानवी सुन तो सही यार, मैं तो मैं अरे अरे अश्विन भाई, मैं आपके ही तो वेट कर रहा था। वैसे आपको और मनन का मैटर कुछ सॉर्ट हुआ? हाँ यार, ऊपर से लड़ाई और हो गई साली। अच्छा भाई, ये तो काफी बुरा हुआ, लेकिन अब क्या? मन तो है यार कि सॉरी बोल दूँ, बट उसकी भी तो गलती थी ना, तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ उसको। अश्विन भाई एक बात बताओ, दोस्ती भी ना बड़ी कुत्ती चीज होती है। आप जितना अच्छा बनोगे उतना बुरा दिखोगे। मेरी एक बात मानो, कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, कंप्लीट ऑफलाइन। मनन को जब आपकी याद आएगी वो खुद आ जाएगा आपके पास। सही कह रहे हैं, वैसे भी कॉलेज ना बेकार लगने लग गया मेरे को, कल की छुट्टी लेता हूँ। ये हुई ना बात, जब साला मिस करेगा ना अपने आप दौड़ता हुआ आएगा, तब सॉरी भी बोल दूंगा उसको। चल अभी हट, जाने दे, छोड़ना तेरे को कहीं पे। नहीं मैं तो यशी का वेट कर रहा हूँ, उसी के साथ जाऊंगा। ठीक है। हाँ भाई, अश्विन कल से कॉलेज नहीं आएगा, अपना टारगेट एकदम क्लियर। हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? आज कॉलेज क्यों नहीं आए? यार ऐसे ही मन नहीं था। अच्छा सच सच बताओ ना, मैंने कुछ किया क्या? अरे नहीं बस ऐसे ही, it's just I can't face him anymore. अजीब लगता है यार उसको अवॉइड करके, सो आई डिसाइडेड कि कॉलेज नहीं आऊंगा तो वो खुद बात करने आएगा, एंड देन वी कैन सॉर्ट इट आउट। अश्विन हाउ स्टूपिड आर यू यार, इफ यू थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक तो उसके पास जाओ एंड देन अपोलोजाइज। लड़का हो या लड़की, दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। अरे वो बात ही नहीं करेगा तो क्या अपोलोजाइज? तुम स्टूपिड भी हो, पहले जाके तुम सॉरी बोलोगे ना, फिर आके वो बात करेगा। अच्छा करेगा, कर सकता है मतलब, और बाकी सब तो ठीक ही है। या सो प्रॉमिस मी वन थिंग, टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तुम कॉलेज आओगे, मुझसे मिलने से पहले भी तुम दोनों एक दूसरे से बात कर। ओके कल तो लेट हो जाएगा यार, अभी आता हूँ। ओके कम बिकॉज़ आई रियली मिस्ड यू, बाय। अरे योगी भैया, पूरे कॉलेज में अश्विन और मनन ने आपकी बैंड बजा रखी है और आप यहाँ पे फोन पे टाइम पास कर रहे हो,
मैं फोन पे टाइम पास नहीं कर रहा, मैं बिनोमो पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब ये कौन सी बला है बिनोमो? बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तू कंपनीज के वैल्यू पे फोरकास्ट करके 90% तक का प्रॉफिट कमा सकता है। इलीगल काम करना नहीं छोड़ोगे ना? ये ऐप बिल्कुल लीगल है, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और हाँ, अगर तू मेरा वाला कोड यूज करेगा ना तो तेरा डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाएगा। देख, ये मैंने बिनोमो खोला और मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी। नाउ वेट, और ये रहा मेरा प्रॉफिट। मेरे को तो पढ़ाई समझ में नहीं आती, ये ग्राफ व्राफ कहाँ से समझूंगा ट्रेडिंग के? देख, अगर तुझे ट्रेडिंग नहीं आती तो इस पे तू डेमो अकाउंट बना सकता है जहाँ पे तुझे 65,000 रुपये का डेमो डिपॉजिट मिलेगा, और वहाँ से फिर तू ट्रेडिंग सीख ले और फिर आ जा मार्केट में। अभी डाउनलोड करता हूँ, एक मिनट रुक। यार पलक, कल ना मैंने यशी से ये नोट्स लिए थे, पढ़े भी, बट मेरे को ना ये वाला पार्ट एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अरे मनन भाई, अश्विन कब से आपका कैंपस के बाहर वेट कर रहा है? अरे उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो उसने मुझे बोला बताने के लिए। ये अश्विन आजकल तुझसे बहुत ज्यादा बातें शेयर नहीं करने लग गया? तभी दिमाग खराब हो गया उसका। जाओ अपने दोस्त से मिल तो लो। सबसे पहले तो ये बता कि तूने क्या सोच के मुझ पे हाथ उठाया था। देख माधव, मुझे ना कोई पंगा नहीं चाहिए। मैं अश्विन से मिलने आया हूं और उससे मिलकर चला जाऊंगा। अश्विन कहाँ है? अश्विन मुझे तो नहीं दिख रहा। बेटा तू यहां आया नहीं है, तुझे बुलाया गया है। अब क्या करेगा उठा के? जब तक वो आएगा तब तक तो खुद उठ चुका होगा। अगर अंकल को पता, अंकल को तब पता चलेगा ना जब बात कॉलेज से बाहर जाएगी। मैं नहीं डरता किसी से। चल बुला अश्विन को, बुला अश्विन को। बेटा ऐसा ताला लगाया है ना, इस बार हीरो की एंट्री हो ही नहीं पाएगी। चल सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी माधव भैया।
अगली बार मरन को हाथ लगाया ना काट दूंगा साले। यार मेरे को मालूम नहीं था कि ये योगी का ऐसा प्लान है। पता तो मेरे को भी नहीं था भाई। उसने मेरे को बोला कि तू मेरा यहां वेट कर रहा है और जैसे ही मैं यहां पहुंचा ना फिरना शुरू कर दिया। थैंक्स भाई, तू नहीं आता ना तो एग्जाम देने लायक भी नहीं बचता। सॉरी मैं बोलने आया था और थैंक्स तू बोल रहा है। मैं यार रियली सॉरी भाई, मैं उस दिन पता नहीं कैसे ओवर रिएक्ट कर गया। वो शायद से कभी कॉलेज में कुछ अकेले करा नहीं ना तो इसलिए आदत पड़ी हुई है। अब पर कोई टेंशन नहीं है, अब देखो पढ़ के पास होना है ना, साथ पढ़ेंगे, कॉलेज साथ आएंगे, कैंटीन साथ जाएंगे, सब कुछ साथ करेंगे ठीक है। लेकिन अकेले कुछ नहीं करना, दिल से बुरा लगता है भाई। और तू इन लोगों को मारता क्यों नहीं है? काहे वो सलाह होगी? क्योंकि पता था मुझे कि तू आएगा। हाँ थोड़ी लेट एंट्री करता है बट एंट्री जरूर करता है। नहीं वेट। और भाई अश्विन आई एम सॉरी एज वेल। यार उस दिन गुस्से में मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया और वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बट लग गई क्या? बट अब तू छोड़, जाने दे सब कुछ। साथ कॉलेज आए थे, साथ निकलेंगे। दोस्त को मारने के लिए तेरे को जान है साले, उनको मारने के लिए जान नहीं है तेरे अंदर है? चल चल आजा। मुंह फोड़ दिया तेरा तो यार, चल आराम से। हाथ रखा दिल पे जो तो धड़कनों ने कहा छूटे जग सारा पर ना छूटे कभी ये यारियां। We hope you liked this episode and we are extremely emotional right now because the journey of Dating College Junior season 2 finally comes to an end. Thank you for showing so much love to both the seasons. But season 3 के बारे में तुम्हारे क्या views हैं हमें comment section में जरूर बता देना और अपने college के दोस्तों के साथ share करो यार ताकि तुम्हारे भी तो यादें ताज़ा होनी चाहिए ना। और हसले ओरिजिनल्स को subscribe करना मत भूलना क्योंकि picture अभी बाकी है मेरे दोस्त।